और पापा 10 दिन के लिए कहीं गए हैं, तो सारा काम हमें करना है, पूरा घर मत कर, तो सुंदर है ये। इसमें हम कि आप हमारे व्लॉग्स में क्यों नहीं आते बताओ? मैं इनके व्लॉग्स में इसलिए नहीं आती क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बिल्कुल ठीक होगे और हम भी हमेशा की तरह अपने घर में बिल्कुल ठीक है। तो आज है साइबर का बर्थडे और घर का सारा काम हम कर चुके हैं और अकेले ही हमने किया है काम क्योंकि सारा। मम्मी और पापा 10 दिन के लिए कहीं गए हैं, तो सारा काम हमें करना है, पूरा घर मत कर, मार रही है। और साइबर को भी हमें संभालना है, लेकिन वो एकदम बच्चा है, छोटा बच्चा। वो सैड है क्योंकि उसको पापा की याद आ रही है, बट पापा को भी तो काम था ना, उसके नखरे तो जाना पड़ेगा। छोटे बच्चों की तरह जो सिर्फ पापा ही संभाल सकते हैं, हम लोग नहीं। मैं संभाल सकती हूँ पर वो मेरे से संभलता ही नहीं, आता ही नहीं मेरे पास। इसको तो भाव नहीं देता कह रहे हैं। बट कोई नहीं, आज उसका बर्थडे भी है तो आज उसको हमें नहलाना भी है, तो चलते हैं लेकिन अभी शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी वो सो रहा है नवाबों की तरह, तो मैं आपको दिखाती हूँ सो कैसे रहा है ना। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में और देखती रहिए हमारे व्लॉग्स कि हम क्या करने वाले हैं आज। आज क्या करते हैं वो भी अकेले, हाँ, विदाउट मम्मी एंड पापा। थैंक यू। तो यहाँ देख लो इसे कैसे सो रहा है। जब से हम आए थे बेडशीट बिछाने, हमने सोचा काम करने से पहले बेडशीट बिछा दे, तो ये आके सो गया उसके ऊपर ही और बिछाने नहीं दे रहा, और काफी देर से सो रहा है। अब इसको उठाना पड़ेगा, ये उठेगा भी नहीं। अब नहाने के लिए तो उठना पड़ेगा ना। और कितनी गहरी नींद में सो रहा है, इसको देखो। साइबर ये नहीं उठने का, उठा मत, सो जा सो जा। लेकिन नहलाना भी है। इसे देखो गाइज, ये नहीं नहा रहा, ये भाग गया है और अभी मुझे देख रहा है इतने प्यारी प्यारी निगाहों से, लेकिन अभी मेरे से बात नहीं कर सकता। मैं इससे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब आए जरा, ये भाग गया उधर, नहाया नहीं रहा। और यहाँ देखो हमने कितनी तैयारी कर ली थी, पानी वानी सब ला के रख दिया, गर्म पानी लेके आई मैं इसको ठंडा लगे। और देखो मेरी दीदी बेचारी पट्टा खुलवा के भाग गया, बदतमीज। अब इधर आ भी नहीं रहा, वो नहीं आएगा ना, उसको पता है अब आएगा तो उसकी पिटाई होगी। हाँ, और अभी पापा का भी फोन आया था, पापा ने तो कहा कि छोड़ दो मत नहलाओ, ये नहीं कि इसको डांटे। इसको क्यों डांटेंगे? हाँ नहीं तो ये प्यारा राजा बेटा है पापा, तो पापा ने बोला इसको छोड़ दो मत नहलाओ। इसको नहीं डांटेंगे, हमें डांट देंगे। जब भी फोन आता है ना तो पापा इसके बारे में पूछते हैं, हमारे बारे में नहीं पूछते। हमें एक बार भी नहीं पूछेंगे खाना खाया है, कैसे हो। साइबर को खाना दिया था, वॉक पे लेके गए थे, दे देना उसको खाना, दे देना जैसे हम उसको भूखा रखेंगे। क्या कर सकते हैं गाइस, होते इतने प्यारे हैं ये, इनसे प्यार ना हो तो क्या हो। इतनी बदमाशी करता है लेकिन हम फिर भी इसको कुछ भी नहीं बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, अब है तो काफी समझदार लेकिन कभी कभी अपनी समझदारी नहीं दिखाता। देख रहे हो कैसे कर रहा है, देख रहे हो अपनी समझदारी भूल जाता है ये। हाँ, जहाँ पे दिखानी चाहिए इसको समझदारी वहाँ नहीं दिखाता, कहता मैं फेक नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, जैसे मैं रहता हूँ वैसे ही दिखाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। तो अब बना रही है दीदी लंच, क्योंकि साइबर तो ना नहीं रहा, तो हमने सोचा हम लंच ही कर लेते हैं। yes. तो आज लंच में बना रही है मेथी के पराठे, मेथी और प्याज के। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, क्या बनाए क्या नहीं, फिर मेथी पड़ी थी, हमने मेथी के पराठे बना लिए और सबको पसंद भी है इसलिए। हाँ, सबको पसंद है। यहाँ पे अभी एक भी पराठा नहीं डाला क्योंकि तवा गर्म नहीं हुआ। और अभी ये बनाएंगे चटनी, चटनी भी बनाऊंगी अभी मैं, टेस्टी टेस्टी पराठे के साथ टेस्टी टेस्टी चटनी। ये चटनी एक चटनी बनाती है जो बहुत अच्छी बनाती है, अभी बनाती हूँ मैं वो। यहाँ आ गया हमारा लंच, और लंच में देखो आज पराठे हैं जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिए, और ये चटनी मैंने बना ली थी, और अचार, और साथ में चाय। और ये आ गई हमारी दीदी। मैं पराठा खाती थी तो मुझे दिखा दिया, इसीलिए तो दिखाया कि तू खा रही थी। और हम देख रहे हैं साथ में शिनचैन शिनचैन शिनचैन, प्यारा प्यारा। और मेरे साथ एक पोपट हो चुका है, मैंने इतनी देर से कम एक घंटे पहले अपना फोन चार्ज पे लगाया था और मुझे पता ही नहीं था वो स्विच बोर्ड खराब है और मेरा फोन बंद पड़ा है, पोपट हो गया मेरा। तो फिर मैंने अब दूसरी जगह पे फोन लगाया, LCD पैनल के नीचे, आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने फोन चार्ज पे। हमने खाना वाना खा लिया है और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ गिफ्ट जो कि हमारे लिए हमारी भाभी लेके आई थी कश्मीर से, तो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले है ये वाला पाउच जिसमें तीन चेन है, देखो एक ये री और एक ये री, बहुत ही ज्यादा प्रिटी। और ये ममता दीदी का, जिसको पता नहीं ममता दीदी कौन है, वो है हमारी बड़ी बहन। जी हाँ, हमारी एक और सिस्टर है जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है, जब वो आएंगी तो अपना बैग ले जाएंगी। और बहुत ही ज्यादा प्रिटी है ये, देख रहे हो।
और दूसरा दिखाती हूँ, दूसरा है ये मेरा बैग। ये मेरा है वो, मतलब ये भी हमारा है। भाभी ने दो बैग इसलिए लिए कि हम दोनों ना एक्सचेंज करके इस चीजें यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं भी जाना होता है साथ में जाना होता है। जो है? तेरा है वो मेरा है। हाँ, लेकिन जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, जो तेरा है वो तो मेरा है ही। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, और इसमें देखो इसमें भी दो चेन है, एक ये रहा और एक ये रहा। मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगा ये, इसलिए इसको मैंने जब्त कर लिया है। जब्त कर लिया तूने? ये है, और ये भाभी ने इस पर्पस से लिया कि हम ब्लॉग बनाने बाहर जाते हैं ना, तो हम अपना फोन पर्स जो भी है इसमें अच्छे से कैरी कर अपनी यूज की चीजें इसमें रख सकते हैं। और ये हम कॉलेज भी लेके जाने वाले हैं जब हमारा लास्ट एग्जाम आएगा तब, तो ये हमें कॉलेज के लिए भी यूजफुल है, बहुत ज्यादा प्रिटी। और एक चीज और है यहाँ पे है वो, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ये देखो ये बोट है, शिकारा बोट। कौन सी बोट? शिकारा बोट। शिकारा शिकारा, मैं बोलने में थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये शिकारा बोट है, ये वो वाली बोट है, आपने भैया और भाभी के जो ब्लॉग देखते हैं उसमें देखा होगा कि इस बोट में वो एंजॉय कर रहे थे। और इसमें हमने घर की चाबी भी लगा दिया है। ये किचन पापा के लिए है जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी है। तो बस यही लाई थी भाभी। और एक चीज और लाई थी, ऐसा सेम ब्राउन कलर का है, लेकिन वो मम्मी के पास है, मम्मी चली गई है ना कहीं, मतलब कहीं काम से गई है, काम से गई है, तो मम्मी अपना वॉलेट लेकर गई है ये वाला, तो बहुत ज्यादा प्रिटी है ब्राउन कलर का। अगर आपको मम्मी का पर्स देखना है तो आप भाभी का व्लॉग देख लेना, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी हमारे लिए। और एक चीज और आई है, मतलब कि भाभी ने लाई, फिर भी मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। ये कोरियर आया है, बहुत ज्यादा प्रिटी, एक सेकंड एड्रेस ना दिख जाए। बहुत प्रिटी कोरियर आया है, ये मीशो से, गणपति बप्पा। ये देखो कितना प्रिटी है, ये देख रहे हो कितना सुंदर है ये। इसमें हम कैंडल रख सकते हैं, और इसको डेकोरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा है ये। इसके अंदर हम कैंडल रख के टेबल पे रख सकते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखो है ना प्यारा। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। दिवाली पे तो डेकोरेशन में चार चांद लगा देगा। और इसको देखो, देखो इसको देखो, इसको देखो सो रहा है कंबल, इसको नहाना वहाना है नहीं, सो रहा है ऐसे ही, बिना खाए पिए ऐसे लेटा हुआ है। आज देखो हमने रूम के पर्दे हटा दिए हैं क्योंकि काफी अच्छी धूप आ रही थी। और ये हमारा रूम नहीं है, ये पहचान सकते हो आप किसका रूम है? ये रूम किसका है दीदी, बताओ। मम्मी पापा का। और हम इस रूम में है सिर्फ और सिर्फ साइबर के लिए, क्योंकि वो ये रूम छोड़ के कहीं जाता नहीं है, और उसको छोड़ के हम नहीं जा सकते, इसीलिए हमें इस रूम में सोना पड़ेगा आपसे कुछ दिन के लिए। पर कि अच्छा है, मजा आता है, लेकिन अपने रूम में बहुत ज्यादा मजा आता है सच में। गाइज इस लड़की को देखो, कितनी तेज तेज खर्राटे मार रही है। इसको देखो कितनी तेज तेज खर्राटे मार रही है। खर्राटे नहीं मार रहा, कम मारे खर्राटे, उन्हें नींद नहीं खाकर खर्राटे मार रही। बेचारी पढ़ते पढ़ते सो गई, खर्राटे मार रही है एक लड़की। उठ जा उठ जा उठ जा, साइबर चले चले साइबर वॉक पे। ओ बेचारा नंगू पोंगू है, आज कपड़े नहीं पहना। इसको देखो, अब हम लेके जा रहे हैं साइबर को वॉक पे, क्योंकि उसके वॉक पे जाने का टाइम हो गया। वो लिफ्ट का गेट देख रहा है, बार की खुले तो मैं जाऊं, पर मैं लिफ्ट में नहीं ले जाऊंगी इसको। हम इसको ले रहे हैं आराम से, बस ये बाहर जाने के लिए खुश रहता है। हम आ गए हैं साइबर को वॉक पे लेके, और ये देखो क्या क्या करे जा रहा है। पहले प्लान था कि मैं और दीदी आएंगे, लेकिन अब भैया आ गया, क्योंकि साइबर किसी से संभल नहीं रहा था, इसलिए अब भैया लेके आया इसको। छोड़ दे गाइज, यहाँ देखो व्लॉग शूट हो रहा है, रील बनाने की तैयारी। नहीं हाँ सॉरी, रील बन रहा है। हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेगी आपको रील, है ना? हाँ। तो भी पहले बनाते हैं, उसके बाद बंद कर, एक बारी अभी चालू नहीं कर रही मैं, खोल उधर देख बाबू, उधर देख क्या। अरे आपने बोला मैं चालू नहीं कर रही। हाँ, पर तू उधर देख क्या, तुम्हें पता लगा। सही है,
मतलब मैं ऐसे आऊँ ना। ओ सॉरी बैग बीटीएस ये लिपस्टिक के साथ में लेंगे है ना। वो उधर जा रहा है, बैग को स्ट्रेट रख अपने बिल्कुल ऐसे, हाँ तभी दिखेगा। ठीक है ठीक है देखो वो वाली हमारे को, हमें कमेंट आ जाते कि आप हमारे व्लॉग्स में क्यों नहीं आते बताओ। मैं इनके व्लॉग्स में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये लोग मुझे लेते नहीं। ये बिल्कुल सच नहीं है। तो अभी हम रील बना रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम साथ में वीडियो नहीं बनाते, हम बनाते हैं। और हमारी रील आपको हाँ। शंकु के इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी और भाभी के भी अकाउंट पे आपको मिल जाएगी, तो जाके चेक कर लेना। हाँ और ये देखो क्या कर रहा है कि भाभी के रूम में हम रील बना रहे थे, कह रहे मुझे भी लेना है। मुझे भी आना है तुम्हारे। दोनों पैर ऊपर करके खड़ा था कि मेरे को पीछे से चढ़ाओ चढ़ाओ प्यारा। इसकी एनर्जी खत्म हो गई है जब से पापा गए हैं। पापा हाँ पापा गए हुए हैं गांव और साइबर उदास हो रहा है। अब पापा हमारी अगर वीडियो देख लेंगे तो पापा को याद आएगी साइबर। अब बन रहा है यहाँ पे हमारा डिनर जो कि बना रही है दीदी, क्योंकि हमेशा यही बनाती, खाना बनाते हुए आपको यही दिखेगी जब मम्मी नहीं होगी तो, वैसे भी कभी कभी मैं ही बनाती हूँ, मम्मी जब होती तब भी। आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है आलू की सब्जी। आज बन रहा है आलू फ्राई ड्राई, हाँ ड्राई वाले। ओके क्योंकि रील बनाने के बाद काफी भूख लग रही है हमको और टाइम भी ज्यादा हो चुका है इसलिए। इसकी रेसिपी भी मैं दिखाऊंगी आज आपको। हाँ ये पूरी रेसिपी आपको देने वाली है कि ये कैसे बनाती है। और यहाँ पर देखो पूरी तैयारी करके बैठी है, प्याज टमाटर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे आलू कट है, यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है और यहाँ पे ये वेट कर रही है। ये गरम हो गया, अब इसमें हम पहले आलू को फ्राई करेंगे। तो गाइस जन्मों के बाद आलू फ्राई हो गए हैं, इसमें बहुत टाइम लगा है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे, फिर इसका तड़का बनाते हैं। आलू मैंने ट्रांसफर कर लिए हैं, अब हम तेल में डालेंगे जीरा और मिर्च। अभी जल जाए वैसे इसके में प्याज डाल देंगे। जीरा एकदम तड़क के लाल हो गया है, मतलब काला हो गया है और ये जल गया। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज भी ऑलमोस्ट पक चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन कूट के रखे थे लेकिन मैं डालना भूल गई, कोई नहीं मैं इसको अब डाल देती हूँ। तो गाइस टमाटर हमारे इतने पक गए हैं और आगे की कुकिंग के लिए हम इसे अब ऐड करेंगे सॉल्ट डालने से ये अपना पानी रिलीज करेगा और ये टमाटर पक जाएगा। अब बारी है सारे मसाले डालने की, तो डालते सारे मसाले क्योंकि टमाटर प्याज पक चुके हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम सब्जी का मसाला, सब्जी का मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और ये धनिया पाउडर जो मैंने खुद से पीसा है, चिकन मसाला करेंगे मिक्स। अब इसमें जाएंगे आलू, करेंगे मिक्स। गाइस ये देखो सब्जी तो एकदम मिक्स हो गई, इतनी अच्छी दिख रही है। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे धनिया और इसको भी डालेंगे मिक्स। तो गाइस हमारी सब्जी रेडी हो गई है, बस इसको 2-3 मिनट तक और पकाना है, वो भी धीमी आंच पे, और फिर ये खाने के लिए रेडी है। गाइस अभी
बज रहे हैं रात के 12 और डिनर वगैरह हम सब ने कर लिया था और डिनर काफी ज्यादा टेस्टी बनाया था दीदी ने, क्योंकि वो खाना ज्यादा अच्छा बनाती है ना। आपको भी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमने व्लॉग में रेसिपी भी डाली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लो, स्क्रीन पे आपको आईडी मिल जाएगी। और करते हैं इस व्लॉग को एंड, क्योंकि आज जो जो हमने किया मम्मी पापा के बिना वो सब कुछ दिखा दिया। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड गुड नाइट।